हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हो बजट इन बैकपैकर। और आज है 1 जनवरी 2021। और तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज 2021 के पहले दिन पे कुछ अलग करने के प्लान से मैं अभी निकल चुका हूँ महाबलेश्वर के लिए। महाबलेश्वर में क्या क्या चीज़ें मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, किधर रहने वाला हूँ और कैसे कुछ अलग भी ट्राई करने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कैंपिंग भी करने वाले हैं और कायाकिंग करने वाले हैं, स्विमिंग करने वाले हैं, बोटिंग करने वाले हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो गाइज, अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30 बजे। अभी मैं 4:30 बजे एक्चुअली सुबह उठा था। हम लोग सुबह के जल्दी, बहुत जल्दी यहाँ से निकलने वाले पुणे से, तो हमें शायद 3-3.5 घंटा महाबलेश्वर पहुंचने के लिए लग जाएगा। और वहां से हमारे जो डेस्टिनेशन है, जो मैं अभी आगे वीडियो में रिवील करूंगा, वहां पहुंचने के लिए वहां से 1 घंटा और लगेगा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं, मैं एक्चुअली सोलो ट्रिप पे नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, तो हम लोग उसकी कार लेके जाने वाले हैं। तो हमारे पास काफ़ी स्पेस रहेगा, तो हमने काफ़ी सारे अरेंजमेंट करके रखी है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए और देखिए कि हम लोग कैसे कैसे प्रिपरेशन किए हैं और हमने क्या क्या, कितने दिनों के लिए हम लोग महाबलेश्वर में हैं, कौन से लोकेशंस हम लोग कवर करेंगे, तो सब चीज़ें जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिए। सो गाइज, ये देखिए आप, पूरा पैकिंग हो चुका है। मैंने ये बैग पैक किया, उसमें मेरे सारे कपड़े, ड्रोन और लैपटॉप भी है सारा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर उसके साथ कुछ फ्रूट्स लिए हैं अभी जर्नी में। फिर उसके बाद ये है, इसमें है मेरे सब खाने की चीज़ें। और फिर ये एक जैकेट है जो ठंडी में बचाएगा, काफ़ी कम टेम्परेचर में मैं इसमें सर्वाइव हो सकता हूँ। फिर ये मेरा कैमरा, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लेके यार जा रहा हूँ, कुछ ग्लास और बर्तन, मेरा फ़ोन का गिम्बल, और ठंडी में कुछ सेफ्टी के बैकअप ऑप्शन के लिए एक रजाई भी लेके जा रहा हूँ। तो चलिए, पूरा पैकिंग हो चुका है, अभी हम लोग 5 मिनट में निकलने वाले हैं। चलिए, तो गाइस फाइनली हम लोग खेड़ शिवा पर पहुँच चुके हैं। और थोड़ा कांड हो गया कि हमारा टायर पंक्चर हो गया कार का, अभी हम लोग वही कर रहे थे, टायर पंक्चर निकाल रहे थे, जस्ट हो चुका है और हम लोग वापस निकल रहे हैं महाबलेश्वर के लिए। बीच में शायद कोई जगह पे हम लोग CNG भी भर लेंगे, तो वो होने के बाद हम लोग महाबलेश्वर पहुँच के वहाँ लंच करेंगे। तो पहले चलते यहाँ से निकलते और महाबलेश्वर के लिए निकलते। चलिए, सो गाइस हम लोग फाइनली खंडाला घाट एरिया में पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से हमें आगे 12 किलोमीटर के बाद एक राइट टर्न लेना है। आप देख सकते हो टोटल महाबलेश्वर के लिए अभी 54 किलोमीटर्स बाकी है। फिर वहाँ से हमें हमारे लोकेशन के उधर जाना है, तो फिर मैं महाबलेश्वर जाके आपको बताता हूँ वहाँ से कहाँ से टर्न लेना है और कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। चलिए, तो गाइस हम लोग फाइनली बस शिरवय के थोड़ा आगे आ चुके हैं और खंडाला घाट क्रॉस करके यहाँ पे अभी एक ब्रिज के नीचे से महाबलेश्वर के लिए रोड जाता है, यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। अभी हम लोग वहीं से जा रहे हैं। चलिए, सो गाइज फाइनली हम लोग महाबलेश्वर को छोड़ चुके हैं और अभी हम लोग तापोला की तरफ जा रहे हैं। महाबलेश्वर से एक्चुअली तापोला है ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर्स, और ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स आपको लग सकते हैं।
बाइक से शायद ज़्यादा लगेगा और कार से भी ऑलमोस्ट 1.5 hours के आसपास लग जाएगा। हमने बीच में अभी कामत में थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और अभी हम लोग जा रहे हैं तापोला की तरफ। आप देख सकते हो काफ़ी काफ़ी घना जंगल है रास्ते में और काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है बीच बीच में जो आप बीच में रुक के आप देख सकते हो। तो चलिए अभी पहले तापोला की तरफ पहले वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद तापोला एक्सप्लोर भी करेंगे। तो चलिए तो गाइस फाइनली हम लोग शिव सागर पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक शिव सागर नाम का होटल है तो इसलिए शायद ये पॉइंट शिव सागर पॉइंट नाम से काफ़ी फेमस हो चुका है। यहाँ से आप कोयना रिवर देख सकते हो नीचे। हम लोग यहाँ से आगे काफ़ी जाने वाले 7 kilometers और बाकी है तापोला, फिर वहाँ से हम लोग हमारा टेंट कहाँ पर तो पिच करेंगे। एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया ना कि आज हम लोग कहाँ रहने वाले हैं। हम लोग ने कोई भी होटल यहाँ पे बुक नहीं किया था क्योंकि हम लोग कोई रिवर के आसपास एरिया में कोई तो जगह ढूंढने वाले और वहाँ पे हमारा टेंट पिच करने वाले। तो आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर और अच्छा लोकेशन है यहाँ से ऊपर से। हम लोग शायद 7 kilometers और दूर आगे वहाँ पे नीचे जाने वाले, तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ा सा लंच करते हैं और फिर हमारा टेंट शाम को 4-5 बजे के आसपास हमारा टेंट भी उस एरिया में शायद वहाँ पे कहीं तो पिच करेंगे। चलिए तो गाइस फाइनली हम लोग महाबलेश्वर से तापोला आ चुके हैं और आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में तापोला लेक है यहाँ पे। हम लोग अभी एंड पॉइंट पे जाने को ट्राई कर रहे हैं और एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स है, बोट पॉइंट्स जहाँ पे आप जाके बोट राइड्स कर सकते हो, कायाकिंग कर सकते हो। और हम लोग अभी ऐसा पॉइंट ढूँढ रहे हैं जहाँ पर हम लोग हमारा टेंट वहाँ पर पिच कर सके। अभी तो जगह नहीं मिल रही है अब तक, हम लोग ढूंढने वाले अभी 3-4 जगह भी हम लोग जाके एक्सप्लोर करने वाले, वहाँ कोई अच्छा सा लोकेशन मिल जाए वहाँ पे हम लोग हमारा टेंट लगाएंगे, फिर वहाँ पे आग जलाएंगे, खाना भी बनाने वाले हैं वहाँ पे। तो काफ़ी एक्साइटिंग आज का दिन होने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए हम लोग कैसे खाना बना रहे हैं, कैसे टेंट पिच करने वाले और कैसे रहने वाले। चलिए तापोला लेक के उधर जाते हैं और फिर देखते हैं। चलिए तो गाइज़ ये है तापोला लेक और ये है बोटिंग पॉइंट। आप देख सकते हो काफ़ी सारे बोट्स हैं यहाँ पे, कायाकिंग की भी बोट्स हैं यहाँ पे। और आप आगे वहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग कायाकिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम भी कल ये एक्सपीरियंस लेने वाले कायाकिंग का। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे, शायद आप देख सकते हो वहाँ पे वो पॉइंट और वहाँ का आगे का एक पॉइंट, वहाँ पे भी जाके देखेंगे कोई अच्छा सा लोकेशन ढूंढेंगे और वहाँ पे हमारा टेंट लगाएंगे। चलिए तो फाइनली हम लोग तापोला एग्रो रिसोर्ट के यहाँ पे आए हैं। वहाँ पे हमें कायाकिंग का 300 rupees का दोनों के लिए 1 hour का चार्ज मिला है, तो काफ़ी सस्ते में हो गया। अभी हम लोग कुछ ही देर में यहाँ पे 4 बजे या 4-4:30 बजे टेंट पिच करेंगे। यहाँ पे ही पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे बोट है,
आप देख सकते हो वहाँ पे ही हम लोग हमारी हम लोग ने हमारी कार पार्क की है और वहाँ पे ही हम लोग हमारा टेंट पिच करने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा फायर लगा के हम लोग वहीं पे खाना बनाने वाले। तो चलिए अभी कायाकिंग करने का हमारा टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, 15 मिनट्स बाकी है। सो गाइज चलिए अभी ये कायाकिंग ख़त्म करते और इसके बाद हमारा टेंट का अरेंजमेंट पूरा करने वाला हूँ मैं अभी। एक्चुअली एक टिप थी कि यहाँ पे तापोला जो मेन सिटी है, आप मतलब गांव जो है तापोला का, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे जो बोट राइड्स है वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। तो अगर आपको पीसफुल टाइम चाहिए या कोई भी ज़्यादा क्राउड नहीं चाहिए तो मैं यही रिकमेंड करूँगा ये तापोला एग्रो रिसोर्ट। ये इसके आसपास काफ़ी सारे रिसोर्ट्स है। हम लोग ने आपको मैं दिखाता हूँ बैकग्राउंड में, आप देख सकते हो पीछे वो वहाँ पे कोयना रिसोर्ट भी है। तो एग्रो रिसोर्ट, कोयना रिसोर्ट, ऐसे काफ़ी सारे रिसोर्ट्स इसी एरिया में है जहाँ पे कोई भी ज़्यादा इतनी भीड़ नहीं है, तो आप यहाँ पे अच्छे से पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो चलिए कायाकिंग ख़त्म करते हैं। सो गाइज हम लोग अभी तापोला एग्रो रिसोर्ट के पॉइंट पे हैं। आप मैप पे डालोगे तो आपको इजीली पता चलेगा आप मैं एग्जैक्टली कहाँ पे हूँ। सो गाइज मेरे पीछे आप देख सकते हो कोयना बैक वाटर्स है, कोयना डैम का पानी है पूरा। और ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, आपने मेरे ड्रोन शॉट्स में देखा ही रहेगा। ऊपर से चारों तरफ यहाँ से पानी है। एक्चुअली ऊपर से आप देखोगे तो ये जो आइलैंड जैसा आपको लगेगा, तीनों साइड से आप देख सकते हो पानी है पूरा। देखिए अभी सनसेट होने को आया है, अभी बज चुके हैं 5 बजे। सनसेट जल्दी होगा क्योंकि आप देख सकते हो आगे पहाड़ है, तो शायद हमें जल्दी से जल्दी हमारा टेंट लगाना पड़ेगा। 3-4 जगह हमने देख चुके हैं इससे पहले कि कहाँ पे टेंट लगा है, तो इसमें से एक जगह तो ये है जहाँ पे हमारी गाड़ी है, मगर ये अनइवन सरफेस है तो हमने वो रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद और 2 लोकेशंस हैं, उसमें से ये लोकेशन एक है, ये आप देख सकते हो ये काफ़ी फ्लैट है, ज़्यादा पत्थर नहीं है, ग्रास भी नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है काफ़ी वो गीला ज़मीन है और पानी से बहुत पास में, तो इसलिए हम लोग ये भी रिजेक्ट कर दिए। इसके बाद ये लोकेशन है जो हमने फाइनली डिसाइड किया कि यहाँ पे हम लोग टेंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ग्रास है मगर ये काफ़ी फ्लैट है और चारों तरफ से आप पेड़ देख सकते हो, तो शाम को ठंडी ज़्यादा नहीं लगेगी यहाँ पे। और यहाँ पे कोने में ही हम लोग अपना फायर जला सकते हैं, यहाँ पे खाना बना सकते हैं। चलिए अभी थोड़ी देर में 20-30 मिनट्स में ही मैं अभी हमारा टेंट लगाना स्टार्ट करूँगा। आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग लोकेशन है कैंपिंग के लिए, काफ़ी सारे लोग आजकल पवना डैम काफ़ी फेमस है कैंपिंग के लिए, मगर आजकल तापोला काफ़ी फेमस हो चुका है आप देख सकते हो। इस लोकेशन में कैंपिंग करना किसे नहीं पसंद होगा, तो ज़रूर आइए यहाँ पे और विज़िट कीजिए इस अमेजिंग लोकेशन को, और यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं आप देख। सो गाइज अगर आप खुद से कैंपिंग नहीं कर सकते, आपको थोड़ा डर लग रहा है, आपको श्योरिटी नहीं, आपके पास टेंट नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिसॉर्ट्स है, एग्रो रिसॉर्ट्स है जहाँ पे आपको रहने का खाने का आराम से 1200 या 1500 के रेंज में आपको मिल जाएगा 1 डे के लिए फॉर 1 पर्सन। इसमें बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होती है, वो भी अनलिमिटेड आप कितना भी कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि ये अनलिमिटेड है, मगर अगर आप वीकेंड्स या कोई फेस्टिवल सीज़न में आओगे तो बहुत सारी भीड़ रहेगी, तो आपको ज़्यादा अनलिमिटेड राइड्स एंजॉय करने को नहीं मिलेगा, कायाकिंग ज़्यादा करने को नहीं मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि वीकडेज में ट्राई कीजिए या जब ही ज़्यादा ऑफ सीज़न टाइम रहेगा तभी ट्राई कीजिए, जैसे अभी हम लोग आए हैं जैन के फर्स्ट वीक में, तो 31 का क्राउड भी ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग को अभी देख सकते हो आप पूरी बोट्स खाली पड़ी हुई है, तो आप कितना देर भी इसका मज़ा उठा सकते हो। मगर हम लोग अभी पैकेज के थ्रू नहीं आए, तो इसलिए हम पर आर के बेसिस पे ही इसे रेंट पे लेके घुमा रहे हैं। तो अगर आप रिसोर्ट से आ रहे हो तो काफ़ी एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी अमेजिंग लोकेशन है, आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग सनसेट आपको देखने को मिल सकता है पीछे। ये देखिए अभी सनसेट होगा कुछ ही देर में,
काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी आप वहाँ पे काफ़ी सारे बोट्स भी जा रही है बड़ी बड़ी, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। काफ़ी सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो, ये भी पॉइंट है, हम लोग खड़े हैं वो पॉइंट है, फिर आगे आगे वहाँ पे आप देख सकते हो, शायद वो दिखेगा नहीं, उधर पीछे भी 2-3 पॉइंट्स है, तो ऐसे पॉइंट्स भी आप कवर कर सकते हो, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो चलिए अभी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे हम लोग कैंपिंग करेंगे और खाना बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो। चलिए उसके बाद हम लोग बारबेक्यू करेंगे। चलिए तो गाइज़ फाइनली टेंट लग चुका है, हम लोग कुछ देर में यहाँ पे ऐसे आग लगाने वाले और यहाँ पे ही थोड़ा पनीर बारबेक्यू करने वाले और कुछ देर में हम लोग 10 बजे के बाद हम लोग सो जाएंगे यहाँ से। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पानी है, ये आप देख सकते हो पानी का रिफ्लेक्शन सामने, तो यहाँ पे हम लोग नदी के मतलब बाजू में ही यहाँ पे टेंट हमने लगाया। तो चलिए अभी कुछ देर रुकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा फायर यहाँ पे लगाते हैं और बारबेक्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए तो गाइस फाइनली आग लग चुकी है, हमने बहुत ट्राई किया पहले, बहुत आग लगने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने एक ट्रिक यूज़ किया जो नॉर्मली बहुत लोग यूज़ करते, हम लोग ने कॉटन में वैसलीन डुबा के उसको आग लगाई तो फटाक से आग पकड़ गई। तो हमेशा याद रखे, कभी कैंपिंग करते समय अगर आग नहीं लग रही आपके पास वैसलीन रहेगा तो हमेशा वैसलीन में डूबा हुआ कॉटन यूज़ कीजिए, आग अच्छे से फटक लग जाएगी। ये देखिए हमारा कैंप साइट, अभी यहाँ पे पूरा आग लगने के बाद हम लोग बारबेक्यू करने वाले। चलिए पहले पनीर को काट लेते और थोड़ा मसाला लगाते, चलिए।
गाइस। ये है हमारा कैंप साइट, आप देख सकते हो। ये है कोयना रिवर, बाजू में ही है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, 5:46 हो चुके हैं और अभी 10 मिनट पहले हम लोग उठ चुके हैं। और ये देखिए ये हमारा कैंप साइट। सो गाइस काफी ज्यादा ड्यू कल रात को नीचे गिरा है, आप देख सकते हो बहुत सारा पानी और पूरा नीचे का मिट्टी गीला हो चुका है। और इसके वजह से आप देख सकते हो हमारे टेंट के अंदर भी, आप देख सकते हो पानी कितना वॉल्स के ऊपर कितना पानी जमा हुआ है। देखिए ये देखिए, और अभी भी सनराइज नहीं हुआ है, पर हम लोग थोड़ा जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि हमें प्रतापगढ़ महाबेश्वर जल्दी से घूमना है। तो गाइज तापोला के इस कैंपिंग के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो गाइज आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऐसे टाइप के वीडियोज एडवेंचर टाइप के वीडियोज आपको आगे भी देखने तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। और मैं फिर से मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, महाबेश्वर के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।